कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष भी देवघर में श्रावण का मेला नहीं लग रहा है। लोग मंदिर के गेट के पास पूजा अर्चना कर रहे हैं। देवघर में बाबा के प्रसाद के रूप में बिकने वाले पेड़े का स्वाद लोगों को बहुत याद आ रहा है। आपको बता दें कि देवघर बाबा धाम के प्रसाद की पहचान यहाँ के पेड़े से होती है। पेड़े की सौंधी खुशबू और अपने लजीज स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर देवघर के जो पेड़े की दुकानें तीर्थयात्रियों और खरीदारों से हमेशा गुलजार रहा करती थी, आज यहाँ चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन पिछले 17 माह से ज्यादा दिनों के कोरोना बंदी ने यहाँ के पेड़ा उद्योग को पूरी तरह बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा किया है। पेड़ा व्यवसायियों को इस दौरान लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए का बाजार प्रभावित हुआ है। हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। करोड़ों रुपए का इनका तैयार पेड़ा और कच्चा माल सड़कर बर्बाद हो गया। दुकान बंद और काम नहीं मिलने से रोज कमाने खाने वाले पेड़ा कारीगरों के सामने भी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। देवघर और इससे सटे घोरमारा दोनों जगहों की बात करें तो लगभग 3000 पेड़ा की दुकानें हैं। एक अनुमान के अनुसार दोनों जगहों पर सालाना यहां लगभग 1000 करोड़ का पेड़े का कारोबार होता है। सिर्फ इस पेड़ा उद्योग से लाखों लोगों की आजीविका चलती है। लेकिन कोरोना बंदी के कारण पेड़ा व्यवसायी सहित इस धंधे से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। अब इन्हें फिर से पैर पर खड़ा करने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। देवघर में लाखों लोगों की रोजी रोटी बाबा मंदिर पर निर्भर है। ऐसे में अन्य लोगों के साथ यहाँ के पेड़ा व्यवसायियों को भी अब कोरोना काल में सरकार से मंदिर में चहल पहल बढ़ाने और तीर्थयात्रियों का आवागमन शुरू होने के आदेश का इंतजार है। तो सारा का सारा चीज धरा रह गया। कई लोग बीमारी के चलते मर भी गए, कई लोग ये मतलब कर्जा लेके डूबे हुए हैं। यही स्थिति तो है। सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ मंदिर बंद ये सभी, जबकि सारे भारत में बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े काशी विश्वनाथ मंदिर है वो खुल गए हैं, और हमारे बाबा धाम मंदिर जो कि लगातार COVID-19 के चलते हरा मॉकड्रिल भी किया जाता अगले साल कि 10,000 आदमी को पूजा करा सकते हैं दूरी को बनाए हुए। लेकिन इस बार भी सरकार की मंशा जो है साफ नज़र नहीं आई, जिसके चलते सारे व्यापारी एकदम मरना सन में हैं। क्या नाम हुआ? मैं हनुमान प्रसाद केसरी, पेड़ा व्यवसायी संघ बैजनाथ धाम देवघर के अध्यक्ष। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।